हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जेट स्ट्रीम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जहां पर एल नीनो वगैरह के बारे में भी डिस्कस किया था मैंने, और काफी कुछ डाउट हुए थे वहां पर लोगों को। तो जो डाउट हुए हैं उनको वन बाई वन करके पहले लेते हैं, और उसके बाद से पहले इसको डिस्कशन करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे की चीजों को देख रहे होंगे। तो पहले फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डाउट हुआ था वो डाउट ये था कि क्लाइमेट में, कि यू सेड, मैं डायरेक्टली जो भी कमेंट आए हुए हैं मैंने उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो इसे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो यहां पर क्वेश्चन ये था कि जेट स्ट्रीम वो एक 3D विंड है एंड इट गॉट द पॉइंट दैट लेफ्ट राइट मियांड्रिंग इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, बट हाउ इज जेट स्ट्रीम मियांड्रिंग अपसाइड डाउन। तो एक काम करते हैं, पहले जरा चलते हैं वीडियो में, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं कि मैंने क्या बोला था, और उसके बाद से फिर मैं यहां पर ऐड करता हूं सारे के सारे जो भी डाउट है। मियंडरिंग हमें दो तरीके से देखने को मिलेगी। कैसे दो तरीके से, ये मान लेते हैं कि हमारा काट देते हैं सरफेस, तो यहां पर देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है, यहां पर बेसिकली दो तरीके की मूवमेंट है, एक मूवमेंट यहां पर है, दूसरी मूवमेंट यहां पर है। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए फिर पहले देखते हैं नंबर वन के बारे में। नंबर वन जब आप देखेंगे तो बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कैसे हो रही है देखते हैं जरा। हवा जब भी ब्लो कर रही है, जो भी है, चाहे जेट स्ट्रीम या एनी विंड, कोई भी विंड है अगर, तो ब्लो करती है तो उसके ऊपर में कई सारे फोर्सेस लगते हैं। कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं? एक लग रहा है जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्यों आया है? ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इसलिए आया है क्योंकि ये सर्फेस है, एंड दिस सर्फेस के ऊपर जैसे ही आप हाइट पे जाएंगे ये आपका ट्रोपोस्फियर बन जाएगा, ट्रोपोस्फियर के फिर आगे जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फियर एंड ऑल दैट चीजें चली आ रही होती हैं। आपको पता है कि कंटिन्यूअसली यहां पर प्रेशर जो होती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो प्रेशर है वो रिलीज होते जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। क्यों डिक्रीज करता जाएगा? पी इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एच डी जी। हाइट इसकी डिक्रीज कर रही है, मतलब हाइट जो है माइनस एच है, तो पी नॉट माइनस एच डी जी, यानी 100% श्योर है ऊपर जब जाएगा तो प्रेशर कम होता जाएगा। तो ऊपर में लो प्रेशर बना हुआ है, नीचे में हाई प्रेशर बनी हुई है, और इस तरीके से यहां पर एनोमली बन गई है, और इस एनोमली के कारण से लगातार हवा जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करने की कोशिश कर रहा होता है, यानी एक फोर्स लग गया प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। दूसरा एक फोर्स लग रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये लग रही है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि जी के कारण लग रही होती है। इन दोनों के मूवमेंट के कारण से, अब अगला आ गया पॉइंट मूवमेंट। जैसे ही मूवमेंट आएगी वहां पर हमारी अर्थ मूव कर ही रही है, और थोड़ा सा अगर साइंटिफिक होकर के हम लोग बात करें तो ओमेगा स्क्वायर आर ये होती है एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो रोटेट कर रही है ये मूव कर रही होती है, एंड दिस एक्सेलरेशन इज बेसिकली गिविंग अ फोर्स विच इज कोरियोलिस फोर्स। तो ये बेसिकली कोरियोलिस फोर्स देख रही होती है, तो ये जो लगती है वो रेडियल डायरेक्शन में लग रही होती है, यानी कि इसको एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स मिल रही है जिसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स बोल रहे हैं। तो जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस पीजीएफ के साथ, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के साथ में आपस में बैलेंस कर जाएगा, तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगी, और इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण में ये मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके का, जो हम राइटवर्ड मूवमेंट बोल सकते हैं। थोड़ी सी यहां पर देखने में हो सकती है कि आपको मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, बट दिस सर्कुलर मोशन कंटिन्यूअसली चेंजेस, एंड दैट इज वाई एक तो लीनियर मोशन है ही है, क्योंकि लगातार इसको दो तरीके का प्रेशर ग्रेडियंट मिल रहा है। एक प्रेशर ग्रेडियंट मिल रहा है जो हाइट के कारण से है, इस हाइट के कारण से लगातार इसको हाई प्रेशर और लो प्रेशर, क्योंकि यहां पर नीचे सरफेस है और ऊपर में ट्रोपोस्फियर है, इस वजह से मिला हुआ है। दूसरा जो प्रेशर है वो डेंसिटी डिफ्रेंसिएशन की वजह से मिल रहा है, डेंसिटी डिफ्रेंसिएशन। आपको पता है कि जैसे ऐसे मतलब जो भी हमारा जो सरफेस है वो लगातार या तो डेंसर हो रहा होता है या रेयर हो रहा होता है, तो डेंसर टू रेयर होने में, लाइट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेंसर टू रेयर होने में लगातार इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो एयर है वो भी लगातार मूव कर रही होती है, एंड दिस मूवमेंट हैपन्स हियर यहां पर टू नंबर पे। तो आई गेस अब दोनों में एक क्लैरिटी आ गई होगी। यहां पर रीजन के बारे में अगर मैं बात करूं, दो मिनट में अगर इसको समराइज करूं, तो एक यहां पर लग रही है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और दूसरी लग रही है डेंसिटी डिफरेंशिएशन के कारण से फोर्स, डेंसिटी डिफरेंशिएशन, और यही दो बेसिकली फोर्सेस है जिसके कारण से इसमें मूवमेंट मिल रही है, मियांड्रिंग मिल रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों एट द सेम टाइम जेट स्ट्रीम फील कर रही होती है, और इस वजह से इसमें हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मियांड्रिंग देखने को मिल रही होती है, और इसी वजह से ये 3D विंड है, और यहां पर लेफ्ट राइट जो मियांड्रिंग हो रही है
वो कोरियोलिस फोर्स के कारण से हो रही है, बिल्कुल करेक्ट है, समझ गए आप। लेकिन जो दूसरी वाली में एंटरिंग है अपसाइड डाउन वाली, वो आपको मिल रही है डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से। अब क्लियर हो गया, चलिए खैर चलते हैं अपने दूसरे डाउट की ओर। दूसरा डाउट आपका था कि यू एक्सप्लेन इन द वीडियो दैट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर बिकॉज ऑफ वेस्ट जेट स्ट्रीम, इज इट बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम और बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो एक्चुअल में, यहां पर मैंने आपको यही क्लियर किया था, जैसे मान लीजिए कि आपका दिस इज अफ्रीका, ठीक है, ये आपका अफ्रीका का रीजन बन जा रहा होता है और यहां पर हमारी मेडिटेरेनियन रीजन हो गई है इस तरीके से, एंड देन हियर समथिंग लाइक दैट, ये आपका थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ हो गया है, चलिए खैर कोई बात नहीं, दिस इज यूरोप, ठीक है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रही होती है यहां पर मेडिटेरेनियन के पास में, ठीक है, मेडिटेरेनियन में भी बन सकती है या फिर फ्रंट बनना ही है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होती क्या है, बेसिकली फ्रंटल फॉर्मेशन ही होती है, और ये फ्रंट फॉर्मेशन आपकी हो सकती है या तो आपकी 45 डिग्री इस एयर में आ रही होगी, यहां पर हो रही होगी, जहां पर कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास जहां पर एक दूसरे से मिल रहे होंगे, बनने के कारण एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बन गई है। बनने के बाद जब ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन अपराइज करेगी, अपराइज करने के कारण अब ये जेट स्ट्रीम के संपर्क में आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहना है आपका कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, लेकिन इस जेट स्ट्रीम को, मतलब कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को इंडिया तक ले आने का काम करता है जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो यहां पर जो आपका ये कांसेप्ट है इसको अगर इरेज करूं मैं, तो यू एक्सप्लेन इन द वीडियो दैट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर बिकॉज ऑफ वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, नो एक्चुअली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर कैरीड आउट बाय दिस वेस्ट जेट स्ट्रीम, ठीक है। और ये जो आपका कहना है कि बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, करेक्ट है, बिल्कुल कहना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, समझ में आ गया आपको अब तक। थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूं मैं यहां पर, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज या फिर आपको पता भी होगा, हो सकता है। देखिए यहां पर हमारी मेडिटेरेनियन का एरिया है, फिर उसके बाद ब्लैक सी का एरिया आ जा रहा होता है, फिर उसके बाद से कैस्पियन का एरिया आ जा रहा होता है। यहां से जब ये मूव करेगी तो सीधी सी बात है इस तरीके से हमें साइक्लोन मिलती ही रह रही है, और साइक्लोन दिस इज फ्रंटल साइक्लोन, और ये फ्रंटल साइक्लोन जो है वो मॉइस्चर लिया हुआ है, ये मॉइस्चर लगातार इसको मेडिटेरेनियन ब्लैक सी से भी मिलता रह रहा है, ठीक है। मूवमेंट हो रही है जेट स्ट्रीम की, कोई दिक्कत नहीं है। ये जेट स्ट्रीम जो वेस्टर्न वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है बेसिकली, ये अट्रैक्ट हो जाएगी कहां पे, अफगानिस्तान के पास में। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान का जो इलाका है वो डेजर्टी इलाका है, अफगानिस्तान पाकिस्तान इलाका डेजर्टी है, हाई प्रेशर बना हुआ है कहां पर, जमीन पे, जमीन के जस्ट ऊपर में बना हुआ है लो प्रेशर, और ये जेट स्ट्रीम लगातार हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी ही चलेगी, अट्रैक्ट हो जाएगी इस लो प्रेशर के साइड में, और अट्रैक्ट होने के बाद में फिर हिमालय, एंड देन अल्टीमेटली इट गेट्स इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जेट स्ट्रीम जो होती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आ जा रही होती है, और बाकी वेस्टर्न जेट स्ट्रीम ऑलरेडी आपको पता है कि यहां पर बाइफर्केशन हो ही जाती है हिमालय के कारण से, दो साइड में निकल जाती है, एक निकल जाती है इंडिया के साइड से और दूसरी निकल जाती है आपकी जो तिब्बतन साइड के नॉर्थ साइड से निकल जाती है। तो आई गेस आप पूरी तरीके से 100% क्लैरिटी हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा अगला डाउट देखते हैं। नेक्स्ट डाउट है, यू सेड इन द समर द तिब्बत गेट्स लो प्रेशर, बिल्कुल कहा था भाई, एंड एयर स्टार्ट्स टू मूव अपवर्ड देन मूव टुवर्ड्स राइट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये आपका तिब्बत हुआ करता था, तिब्बत जो लो प्रेशर बन गया, इस लो प्रेशर के कारण से यहां पर एयर जो है वो राइज कर रही है, क्यों, बिकॉज नीचे हो गया है लो प्रेशर, हवा जो है गर्म हो गई है, गर्म होने के कारण से डेंसिटी उसकी हल्की हो गई, मतलब ये डेंसिटी जो इसकी वो लो हो गई, और लो डेंसिटी के कारण ऊपर वाली जो हाई डेंसिटी है वो आपस में डेंसिटी डिफरेंशिएशन, एंड देन अल्टीमेटली दे रीअरेंज देमसेल्फ, और रीअरेंज करके ऊपर में पहुंच जाएगा लो प्रेशर, मतलब कि जो भी हमारी वार्म एयर है पहुंच जाएगी ऊपर, हाई प्रेशर वाली जो नीचे है वो नीचे आ जाएगी, इस तरीके से डेंसिटी डिफरेंशिएशन होगा। जैसे जैसे ऊपर राइज करेगी वैसे वैसे ये मॉइस्चर अगर इसके अंदर में होगा तो क्लाउड बना लेगी और फिर बारिश कर देगी। ओके चलिए, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि जो ये लो प्रेशर एयर राइज कर रही है ऊपर में, देन मूव टुवर्ड्स राइट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस, यस दिस इज बिकॉज ऑफ कोरियोलिस, क्योंकि ये मूवमेंट हुआ। अब जरा यहां पर एक काम करते हैं, टॉप व्यू देखते हैं, टॉप व्यू देखेंगे तो आपको दिखेगा ये क्या चीज, तिब्बतन प्लेटू, नीचे के साइड में देखेंगे तो लो प्रेशर होगी, इसके जस्ट ऊपर में जब आप आएंगे तो हाई प्रेशर, मतलब लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर विल कोइंसाइड विद ईच अदर, है ना। तो यहां पर लो प्रेशर अगर है तो यहीं पर हाई प्रेशर भी बना होगा, इसी के ऊपर जस्ट ऊपर होगा हाई प्रेशर। तो एक काम करते हैं इसको हाई प्रेशर लिख देते हैं ताकि केवल ऊपर ऊपर का दिखे, लो नीचे वाला पोर्शन तो यहां पर दिख ही रहा है। ओके
अब ये हाई प्रेशर हुआ है तो राइज करने के इसके पास बहुत भाई चारों ओर कहीं पर जा सकती है, इधर भी 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 जा सकती है, कहीं पर भी जा सकती है। सपोज मूवमेंट हुई इधर के साइड में, नंबर वन साइड में मूवमेंट हुई, तो जैसे ही मूवमेंट इसको राइट मतलब कि जो भी इधर मूव कर रही है, मान लेते हैं कि दिस इज नॉर्थवर्ड साइड, जैसे ही मूवमेंट करेगी वैसे ही इसको एक राइटवर्ड शिफ्ट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? कोरियोलिस के कारण से मिल जाएगा, सीधी सी बात है, राइटवर्ड शिफ्ट मिल गया। अगर मान लेते हैं इधर मूव कर रही है तो भी राइटवर्ड शिफ्ट मिल जाएगा, अगर इधर मूव कर रही है तो भी राइटवर्ड शिफ्ट मिल जाएगा, इधर मूव कर रही है तो भी राइटवर्ड शिफ्ट मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली ये घूम फिर करके घूमेगी ऐसे ही, ठीक है, यहां पर देखिए घूमेगी ऐसे ही। जैसे ही ये मूवमेंट हुआ हिमालयन साइड में, जैसे ही मूवमेंट हुआ वैसे ही ये पहले अट्रैक्ट कर ली जा रही होगी लो प्रेशर विच इज प्रेजेंट ओवर, ये इधर सुनिए, बे ऑफ बंगाल के साइड में, बे ऑफ बंगाल के साइड में नीचे बना हुआ है हाई प्रेशर, क्योंकि वाटर है। इस वाटर के हाई प्रेशर के जस्ट ऊपर कहां पे, थोड़ी सी ऊपर आ जाइए अपर एयर सर्कुलेशन के पास में, वहां बनी हुई है लो प्रेशर। और सीधी सी बात है जैसे ही ओवर उठा, ऊपर उठने के कारण से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, हम लोगों ने इसको बोला हुआ था, ये अट्रैक्ट हो जाएगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इधर वाले लो प्रेशर के साइड में, फिर ये लो प्रेशर डायरेक्टली अट्रैक्ट हो जाएगा किधर के साइड में, वही जो हाई प्रेशर बना हुआ है ना इक्वेटर के जस्ट नीचे, वहां पर हाई प्रेशर के साइड में उसके जस्ट ऊपर अगेन अपर एयर सर्कुलेशन लो प्रेशर अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट में अगर इसको मैं समराइज करूं फटाफट, तो देखिए ये हुआ तिब्बतन प्लेटू, इस तिब्बतन प्लेटू पे यहां पर हाई प्रेशर बनी हुई है, इस हाई प्रेशर के कारण से हम लोग सब की सब ये अपर एयर सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। ये मान लीजिए 3D फिगर ले लेते हैं, काम करते हैं, यहां से मान लेते हैं कि ये तिब्बतन प्लेटू है, हाइट बना लेते हैं, ये तिब्बतन प्लेटू है, यहां पर बनी हुई है इसकी लो प्रेशर, इस लो प्रेशर के कारण से ये हाई प्रेशर बन गई है, इस हाई प्रेशर के कारण से यहां पर ये मूवमेंट हुई है हवा की, मूवमेंट होने के कारण जैसे ही ये जैसे ही ये मूवमेंट हुई है ये अट्रैक्ट कर ली जा रही है, यहां पर बे ऑफ बंगाल है, इस बे ऑफ बंगाल में सरफेस पर हाई प्रेशर बना हुआ है, हाइट पे बना हुआ है लो प्रेशर, ये लो प्रेशर की ओर में हवा अट्रैक्ट हो जाएगी, इधर चली जाएगी, जो भी मूवमेंट है वो इधर के साइड में मूवमेंट हो जाएगा। जैसे ही हवा इधर के साइड में पहुंचेगी एंड इट विल ट्राई टू इधर ये सबसाइड करने की कोशिश करेगी, बट अगेन यहां पर जो ये हाई प्रेशर बना हुआ है, दिस इज इक्वेटर और यहां पर हाई प्रेशर बना हुआ है, यह हाई प्रेशर इस वाले हाई प्रेशर से ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? एल नीनो इंपैक्ट आके रखा हुआ है यहां पर, एमजीओ एक चीज होती है, मेटजुलियन कॉन्सेप्ट होता है, वो भी हम लोग बात करेंगे, उसके कारण से स्ट्रांग होकर रखा हुआ है, सोमालियन करंट के कारण से स्ट्रांग होकर रखा हुआ है, इसके अलावा यहीं पर आपको मेडागास्कर मिलता है, मेडागास्कर भी इसको स्ट्रांग करके रखता है, तो ऑब्वियसली दिस प्रेशर इज मोर स्ट्रांगर देन दिस हाई प्रेशर। ठीक है, तो अगर हाई प्रेशर इसके ज्यादा है तो इसके जस्ट ऊपर लो प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो अब ये जो सबसाइड कर सकती थी नीचे, हालांकि 10-15% होगा सब्सिडेंस होगा, बट ये मूव कर जाएगी अब इधर के साइड में। जैसे ही मूवमेंट इधर के साइड में होगा अब ये सबसाइड करना यहां शुरू कर देगी, ये लो प्रेशर, लो प्रेशर के बाद मूवमेंट सब्सिडेंस हो गया, सब्सिडेंस के बाद फिर साउथ वेस्ट विंड अल्टीमेटली ये स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करेगी तो ये है हमारी इंडिया, यहां पर बढ़िया अच्छा खासा बारिश होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया क्या चीज है? तो यहां पर अगर आपका क्वेश्चन एक बार फिर से देखा जाए तो यू सेड इन द समर द तिब्बत गेट्स लो प्रेशर एंड एयर स्टार्ट्स टू मूव अपवर्ड देन टुवर्ड्स राइट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस। समझ में आ गया कैसे कोरियोलिस मूव करा रही है? राइट डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन होता है, बट ओनली द ओनली राइट मूवमेंट करा देना इज नॉट सफिशियंट टू गेट द विंड इन टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज द हाई प्रेशर विच इज प्रेजेंट इन द बे ऑफ बंगाल एज वेल एज नियर द इक्वेटर। ठीक है, तो ये आपको अट्रैक्ट करा देता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाउ एन एयर मूविंग अपवर्ड कैन एक्सपीरियंस कोरियोलिस, इजंट इट द कोरियोलिस फोर्स एक्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। देखिए मूवमेंट हॉरिजॉन्टल देना ना देना ये कोरियोलिस का काम नहीं है, कोरियोलिस एक्चुअली इज लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे मुझे लगता है फिजिक्स के स्टूडेंट भी होंगे तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टाइप का है, तो दिस इज एक्चुअली एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी करा सकता है और वर्टिकल मूवमेंट भी करा सकता है बिकॉज ये है हमारी अर्थ, और अगर अर्थ पे ये मान लेते हैं इक्वेटर है और इस इलाके में मान लेते हैं कि हमें इस इलाके में चाहिए, तो ये जो रेडियल फोर्स हुआ वो देखिए एंगल पे आ गया, और इस एंगल पे आने के कारण इसका जो मूवमेंट है वो देखिए वर्टिकल भी जा रहा है हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है, तो इस कारण से आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब कोरियोलिस फोर्स जो होती है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, ये करेक्ट नहीं होगा।
हाँ ये करेक्ट बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस पोजिशन दिस विल गिव अ रेडियल फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट आपको सामने देखने को मिल जा रही होगी। क्लियर हो गया क्या चीज है? अगले डाउट पे आते हैं। अगला डाउट आपका है कि ब्रेक इन मॉनसून व्हाट यू एक्सप्लेन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज रिटन इन द स्लाइड, प्लीज क्लेरिफाई, ठीक है। ओके देखिए, ब्रेक इन मॉनसून जो मैंने आपको बताया था वो बहुत ही जल्दी जल्दी में बता दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई खास है नहीं। चलते हैं, काम करते हैं, पूरी स्लाइड में ही चलते हैं, वहां पर देखते हैं क्या चीज है। तो ये थी हमारी ब्रेक इन मॉनसून के बारे में। हालांकि यहां पर जो होता है शुरू में काफी बकवास चीजें लिखी हुई है, नॉट इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए, ड्यूरिंग एन एक्टिव फेज, एक्चुअली क्या होता है, मॉनसून के टू फेजेस होते हैं, एक होता है जो एक्टिव फेज होता है, दूसरा होता है जो ब्रेक फेज होती है। ब्रेक फेज कहने के लिए तो कई सारी चीजों को बोल देते हैं, जैसे जब भी नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट मॉनसून जब एक दूसरे के बीच में एक डिफरेंस गैप होता है उसको भी ब्रेक इन मॉनसून बोल दिया जाता है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ज्योग्राफी हियर इज समथिंग डिफरेंट, और यहां पर वो चीज लिखी हुई है। एक्टिव फेज में सीधी सी बात है, अच्छा खासा बारिश होगा, सब कुछ स्ट्रांग होगा, कन्वेक्शन होगी, लेटेंट हीटिंग होगी, बारिश होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ब्रेक होता है, ब्रेक का मतलब होता है कि डिले इन मॉनसून, या फिर कह सकते हैं कि कुछ महीनों में जैसे अगस्त सितंबर के महीने में बारिश नहीं होती है, उसको हम बोल देते हैं ब्रेक इन मॉनसून। यहां पर होता क्या है, यहां पर देखिए, व्हेन द मैक्सिमम क्लाउडनेस रिमेन्स लॉक्ड अप इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय एंड मॉनसून रेनफॉल जोन मूव इन द डायरेक्शन सब्सिडेंस अकर टू प्रोड्यूस अ वीक ईस्टर्ली फ्लो इन द अपर ट्रोपोस्फियर एंड दिस इज ब्रेक इन मॉनसून। आगे वही चीज आगे एक्सप्लेन किया गया है, मैं काम करता हूं इसको और डिटेल में समझाता हूं आपको ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए डिटेल में ये सीन है कि मान लेते हैं ये हमारी है इंडिया, दिस इज आवर इंडिया, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो गया, एंड देन अल्टीमेटली इस तरीके से हमारी ये गुजरात का फेज हो गया और इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। यहां पर हमारी बे ऑफ बंगाल है, ये हमारा हिमालयन रीजन है। तो होता क्या है, यहां पर तो मॉनसून कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्राइक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब ये मॉनसून इधर के साइड में मूव कर रहा होता है तो ये मूवमेंट के कारण से यहां पर रेनफॉल कर रही होती है, और इस इलाके में रेनफॉल इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि यहां पर ये जो विंड मूव कर रही है, या कह लीजिए कि जो मॉइस्चर लेडन विंड है ये मूव कर रही है, वो स्ट्रांग बनी हुई है। अगर ये वीक हो जाए तो उसके कारण से यहां पर जो विंड है वो केवल और केवल इस इलाके में ही बारिश करेगी, उसके बाद से आगे बारिश नहीं करेगी। और इस तरीके से ये जो बारिश ना होना है उसी को हम लोग बोल देते हैं कि यहां पर ब्रेक इन मॉनसून हो जाती है, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून की जो विंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या फिर कह लीजिए कि बिहार, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इस इलाके में जो एंटर करती है, वहां पर अगर रेनफॉल ना हो, उसके कारण से रेनफॉल ना हो बिकॉज ऑफ द वीक विंड, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इन मॉनसून। नाउ द क्वेश्चन हैपेंस हियर इज कि क्यों, व्हाई, इसके पीछे देखिए कई सारे रीजंस हैं, हालांकि बहुत सारे रीजन अभी खोजे भी जा रहे हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट रीजन मैं बता देता हूं। जैसे नंबर वन, एल नीनो के कारण से जो ये विंग होती है वो स्ट्रांगली बन नहीं पाती है। थोड़ी मोड़ी जो साउथ वेस्ट विंड होती है वो तो बन जाती है और बारिश करा देती है केरला कोस्ट पे, बट एल नीनो के कारण से असम में तो बारिश हो जाती है बट यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस इलाके में बारिश नहीं हो पाती है, जिसके कारण से अगेन सूखा पड़ जाता है, वो सब आपको पता है। सेकंड जो कंसेप्ट होता है उसको बोलते हैं MJO, दिस इज मेडन जूलियन कंसेप्ट। मेडन जूलियन कंसेप्ट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज है। एक्चुअली वो GS के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो GS की जो प्रिलिम्स लॉकडाउन सीरीज चल रही है वहां पर मैं उसको अपलोड कर दूंगा या सेपरेटली अपलोड कर दूंगा, आप समझ जाएंगे क्या चीज है। तो एक्चुअली क्या होती है, जो MJO होती है, दिस इज काइंड ऑफ इंडियन ओशियन डाइपोल का मूविंग फॉर्म ऑफ इंडियन ओशियन डाइपोल। तो अगेन ये भी जो होता है मैड जूलियन कंसेप्ट भी जो होता है, ये इस विंग कह सकते हैं या फिर इस जो भी विंड की जो पार्ट आ रही है उसको ये वीक कर देती है, जिसके कारण से अगेन बारिश नहीं हो पाती है इस इलाके में। तीसरी जो इंपॉर्टेंट होती है, इंडियन ओशियन डायपोल और सदर्न ऑसिलेशन, ये सब आप समझ गए, सब इसी से रिलेटेड है। जो इंपॉर्टेंट चौथी चीज होती है वो होती है साउथ चाइना सी के पास में लो प्रेशर का डेवलप हो जाना, या फिर कह सकते हैं साइक्लोन का आ जाना। जो टाइफून्स वगैरह आती हैं चाइना के पास में, टाइफून बोला जाता है उसको, तो टाइफून्स वगैरह जो आती हैं वो इस विंड को अट्रैक्ट कर लेती हैं।
इस अट्रैक्शन के कारण कुछ विंड तो असम में पहुंच जाती है और यहां पर मतलब रेनफॉल कर देती है, बट मोस्ट ऑफ द विंड्स जो होती है वो दूसरे साइड में अट्रैक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर, एंड दैट इज वाई यहां पर अगेन रेनफॉल नहीं हो पाता है, जिसके कारण से ब्रेक इन द मॉनसून देखने को मिल जाती है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा बेसिकली ब्रेक इन मॉनसून क्या है, जितना स्लाइड में नहीं दिया था उससे कहीं ज्यादा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अगले डाउट पे चलते हैं। अगला डाउट था कि एट 55:20 टाइमिंग यू सेड अपवेलिंग कॉजेज द चेंज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। चलिए काम करते हैं, चलते हैं पहले उसी 55:20 वाले कंसेप्ट पे, मतलब उस वाले वीडियो में मैंने क्या बोला हुआ है, एंड देन उसको एक्सप्लेन मैं करता हूं कि क्या चीज है, कैसे अपवेलिंग हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चेंज हो रही है। तो देखिए यहां पर बेसिकली मैंने ये बोला हुआ है कि यहां पर ये पेरुवियन करंट है जो कि हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर इसलिए है क्योंकि ये कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट है तो सीधी सी बात है यहां पर टेम्परेचर जो है वो रिलेटिवली लो टेम्परेचर होगा, तो लो टेम्परेचर की वजह से प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला था कि नहीं, यहां पर जो होती है अपवेलिंग हो जा रही होती है, तो अपवेलिंग क्यों हो जाती है, इसके लिए पहला रीजन बताया मैंने बर्ड ड्रॉपिंग्स, बर्ड ड्रॉपिंग्स का मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया हुआ है। बर्ड ड्रॉपिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं देखिए यहां पर सपोज ये नॉर्मल टोपोग्राफी है, दिस इज नॉर्मल टोपोग्राफी, मान लेते हैं कि ये पेरुवियन कोस्ट है एक्चुअल में, तो ओशियन इस तरीके से आ रही है, जो नॉर्मल ओशियन जो फ्लो कर रही है वो इस तरीके से फ्लो कर रही है, और ये है लो प्रेशर लो टेम्परेचर, यानी कि ये बनी हुई है कोल्ड विंड, और कोल्ड के कारण से ये टेम्परेचर जो होती है इसकी कम है, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर जो है इसका हाई है, हाई प्रेशर पे बनी हुई है, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होती है, अपवेलिंग होना शुरू हो जाती है, अपवेलिंग का मतलब ये है यहां पर बर्ड ड्रॉपिंग जो होती है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। इस बर्ड ड्रॉपिंग के कारण से होता क्या है कि यहां पर विंड्स आती हैं और ये अट्रैक्ट इस तरीके से जो ओशन है वो यहां पर टकराना शुरू कर देती हैं। कलर चेंज करते हैं ताकि और क्लैरिटी के साथ में दिखेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पर, और ब्लू कलर ले लेते हैं, ओशन का कलर हो जाएगा। यहां पर इस तरीके से आएगी और इस तरीके से अटैक करना शुरू कर देगी, बिकॉज ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है, इस तरीके से जब अगर ओशन करंट इस तरीके से अगर आ रही है तो इंटरमिक्सिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये भी आपको पता है कि जो वाटर होती है वो सरफेशियल लेवल पे काफी ज्यादा मतलब कूल होती है, सरफेस पे ज्यादा कोल्ड रहेगी, लेकिन बॉटम पे जैसे ही आप नीचे थोड़ा सा आएंगे नीचे जो होती है वो वार्म वाटर हो जाती है। अब आप कहेंगे यहां पर ये तो गड़बड़ है, ये डेंसिटी जो होती है वो हाई डेंसिटी की है और ये वाली लो डेंसिटी की है, कहां ये आपस में जो है इंटरचेंज कहां हो पा रहा है। देखिए यहां पर क्या है, ये जो कोल्ड है, सही बात है, कोल्ड करंट जो है ये कोल्ड किसके रिस्पेक्ट में है इस पे डिपेंड करता है, तो ये एक्चुअली सरफेस के रिस्पेक्ट में ये कोल्ड होती है, तो ये वाली विंड जो है यहां पर जब ये नीचे के साइड में जाएगी तो इसके कारण से यहां पर जो ये वाली है, ये वाली जो है ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, और इस कारण से यहां पर अगेन डेंसिटी डिफरेंशिएशन का केस सामने आ जाएगा, डेंसिटी डिफरेंशिएशन, और इस डेंसिटी डिफरेंशिएशन के बाद नीचे जो विंड रिलेटिवली वार्म है वो ऊपर आना शुरू कर जाएगी, और इस तरीके से इस सरफेस पे यहां पर फिर वार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगेन वार्मिंग के कारण वही वार्म हो गया तो यहां पर टेम्परेचर जो होता है वो हाई हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया तो प्रेशर जो है इसका लो हो गया, बस सिंपल सी बात है यहां पर अपवेलिंग की। इसके अलावा अपवेलिंग देखिए अभी रिसर्च हो रहा है यहां पर कि अपवेलिंग के आखिर में क्या रीजंस हैं, क्योंकि अभी तक जो होती है कोई भी स्पेसिफिक बुक या किसी रिसर्च पेपर में मुझे ऐसा नहीं मिला जो क्लियरली ये बता पा रहा हो कि अपवेलिंग का ये रीजन होता है। ठीक है, तो फिलहाल आप ये कह सकते हैं यहां पर कि हाँ ठीक है, इस इलाके में अपवेलिंग होती है और इस अपवेलिंग के कारण से यहां पर इलाका वार्मिंग हो जाता है, और इस वार्मिंग के कारण से अगेन वही सेम केस जो होता है वही वाला सीन यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए खैर अगले डाउट पे आपके चलें। अगला डाउट आपका है जहां पर ये बोला गया है कि टाइमिंग बताई गई है, एंड यू सेड हाई प्रेशर इन वेस्टर्न इंडियन ओशियन कॉजेस साइक्लोन फॉर्मेशन, हाउ सर इजंट इट द लो प्रेशर विच कॉज द साइक्लोन फॉर्मेशन। देखिए वो स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा वहां पर कि हाई प्रेशर के कारण से मैंने बोल दिया होगा, एक्चुअल में लो प्रेशर के कारण से ही सिर्फ और सिर्फ साइक्लोन बनती है, एंड द साइक्लोन एक्चुअल में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है चाहे वो अरेबियन सी में बने चाहे बे ऑफ बंगाल बने ऑब्वियसली वो लो प्रेशर के कारण से ही होती है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो यहां पर कोई डाउट नहीं है। आगे बात करते हैं, आगे आपका जो नेक्स्ट डाउट था वो था
something related with okay timing. You explain the retreating monsoon with the help of jet stream. Isn't it because of trade wind retreating? चलिए फिर से अगेन देखते हैं, पहले मैंने क्या बोला हुआ है उसके बाद से फिर एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसको मैं पूरा ही फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि यहां पर मे बी थोड़ा मोड़ा डाउट हो गया होगा। चलिए खैर देखते हैं, रिट्रीटिंग ऑफ द मॉनसून बेसिकली हम लोग केवल और केवल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो रिट्रीटिंग ही थोड़ा मोड़ा जो भी डाउट लग रहा होगा आपको वो क्लियर कर देते हैं। देखिए यहां पर जनरेट हुई है ट्रॉपिकल साइक्लोन, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रॉपिकल हो रखी है, सॉरी ट्रॉपिकल नहीं टेम्परेट साइक्लोन होकर रखी हुई है या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो भी बोला जा रहा है। ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ऊपर उठी, ऊपर उठने के कारण से जेट स्ट्रीम के संपर्क में आई, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, जेट स्ट्रीम आ रही है। ये जेट स्ट्रीम जैसे ही आगे बढ़ रही है, ये आगे बढ़ने के कारण से एक्चुअल में ये ऊपर बढ़ाया हूं मैं, ये आर्कटिक साइकिल में नहीं चली गई है, ये यहीं पर है, आगे मूव करती है। तो आगे मूव करने के कारण इस इलाके की हाई प्रेशर, जो इस हाई प्रेशर के ऊपर में अपर एटमोस्फियर में लो प्रेशर बनी हुई है, उधर ये अट्रैक्ट हो गई। अट्रैक्ट होने के बाद सिंपल सी बात है, हिमालय से ये टूट गया। अब देखिए जब ये यहां पर हाई प्रेशर बनी हुई है तो कुछ सब्सिडेंस होना शुरू हो जाएगा। इन सब्सिडेंस के कारण अब ये सब्सिडेंस जो हुई है ऑब्वियसली ये ट्रेड विंड के संपर्क में आ जाएगा, जैसा कि आपने अभी बोला है। ट्रेड विंड के संपर्क में आने पर अब इस विंड को मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ट्रेड विंड के पास मॉइस्चर नहीं था। मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा किससे? जेट स्ट्रीम से। कहां से? जो ये टेम्परेट साइक्लोन बनी हुई है इससे। इस टेम्परेट साइक्लोन को कहां से मिला? इसको मिला है मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है? तो ये ट्रेड विंड पा गई है क्या? मॉइस्चर पाई है, ऑब्वियसली लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड तो है नहीं। तो ये मॉइस्चर अब यहां से लुटाते हुए आगे बढ़ेगी। तो इस लुटाने में पहले पंजाब, वेस्टर्न मतलब ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, फिर उसके बाद से यूपी के इलाके में इस तरीके से बारिश यहां पर हैवी रेनफॉल, हैवी मतलब शावर फॉर्मेट में ही है, बट ज्यादा रेनफॉल है, ज्यादा अमाउंट में है, जो आगे की ओर घटते आएगी और अल्टीमेटली आगे झारखंड तक पहुंचते एकदम स्कैंटी हो जाएगा और यहां पर केवल हवा चलेगी, बारिश नहीं होगी। अब ये जो ट्रेड विंड है वो चली आई है कहां पर? बे ऑफ बंगाल में। अब ये बे ऑफ बंगाल में आई क्यों है? ऑब्वियसली यहां पर लो प्रेशर बना हुआ है। लो प्रेशर क्यों बना हुआ है? ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में लैंड आपको पता है इसका एम एस डेल्टा टी में जो ये आपका एस है, जो स्पेसिफिक हीट है, ये कम होता है, जिसके कारण से ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस बन जाएगा। इस कारण से ये लैंड काफी ज्यादा कोल्ड बनी होगी और इस कोल्ड के कारण से बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होगा और उसके रिस्पेक्ट में जो वाटर है वो स्पेसिफिक हीट इसकी ज्यादा होती ही है, जिसके कारण से टेम्परेचर इसका लो बनेगा और इसका टेम्परेचर हाई बनेगा और टेम्परेचर हाई के कारण से यहां पर लो प्रेशर जनरेट हो जाएगी। तो यानी कि जो ये ट्रेड विंड है वो अट्रैक्ट हो जाएंगी बे ऑफ बंगाल के साइड में। अब सीधे सी बात है, आगे अट्रैक्ट होगी तो अट्रैक्ट होने के बाद कोरियोलिस तो लगेगा ही लगेगा। कोरियोलिस लगने के कारण से ये अटैक कर जाएगी कहां पे? चेन्नई में चली जाएगी। चेन्नई में जाने के बाद फिर रेनफॉल कर देगी और रेनफॉल क्यों करेगी? क्योंकि अब इसको मॉइस्चर मिल गया है। कहां से? बे ऑफ बंगाल से। तो ये होती है पूरी की पूरी तरीका जहां पर जेट स्ट्रीम बेसिकली सबसाइड कर रही है, साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल में भी चली जा रही है। तो बेसिकली अगर इसका एक ओवरऑल फोटो देखें यहां पर, तो यहां पर बनी हुई है हाई प्रेशर। इस हाई प्रेशर के ऊपर ये हाई प्रेशर बनी हुई है, ये इलाका है पाकिस्तान का इलाका है, अफगानिस्तान का इलाका है, या फिर कह सकते हैं राजस्थान का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। इसके जस्ट ऊपर में बनी हुई है यहां पर लो प्रेशर। इस लो प्रेशर के संपर्क में आकर के जेट स्ट्रीम यहां पर सबसाइड किया, कुछ पार्ट सबसाइड किया और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद आपको पता है बे ऑफ बंगाल की तरफ ये चली जा रही होती है, बिकॉज यहां पर भी अट्रैक्शन हो जाता है लो प्रेशर वाला,
और अट्रैक्शन के बाद अल्टीमेटली आगे बढ़ जा रही होती है। चलिए खैर ये तो हो गई अलग कहानी जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करके रखे हुए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर जो सब्सिडेंस हुई है इसके कारण से जो ट्रेड विंड यहां पर ब्लो कर रही है, इस ट्रेड विंड को मिल गया है मॉइस्चर और ये ट्रेड विंड अल्टीमेटली आ जा रही होती है इस इलाके में, कहां पे, बे ऑफ बंगाल में, जहां पर अगेन सब्सिडेंस हमें देखने को मिल रहा है। किसका? ये सब्सिडेंस देखने को मिल रहा है जेट स्ट्रीम का। ये जेट स्ट्रीम कुछ पार्ट आगे भी निकल जाती है तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारे इंडिया को कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर बेसिकली सारी की सारी जो विंड है वो आ जा रही है और साथ ही साथ ट्रेड विंड भी आ जा रही है। ट्रेड विंड यहां पे आने के बाद में और ज्यादा सब्सिडेंस मिल रहा है तो स्ट्रांग हो जा रही है, स्ट्रांग होने के साथ साथ इसको मॉइस्चर मिल जा रही है। ये मॉइस्चर अल्टीमेटली फिर अटैक कर रहा है चेन्नई पे और चेन्नई में अटैक करने के बाद यहां पर रेनफॉल कर रही है और अल्टीमेटली फिर बाहर निकल जा रही है। तो यह है पूरी की पूरी रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून के बारे में। तो यहां पर देखिए बेसिकली जो ओवरऑल थिंग है वो एक्चुअली दो पर्सपेक्टिव में देखना है। एक देखना आपको हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव में, जहां पर हॉरिजॉन्टल ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल में कभी जेट स्ट्रीम नहीं ब्लो करेगी, यहां पर केवल और केवल ट्रेड विंड ही आएंगी। और एक आपको जो पूरा का पूरा मतलब विंड का सेक्शन देखना है वो देखना है अपर एयर सर्कुलेशन में, अपर एयर सर्कुलेशन में, और इस अपर एयर सर्कुलेशन में जो ब्लो कर रही है वो हो रही है जेट स्ट्रीम। तो बेसिकली आपको दो कॉम्बिनेशन देखने हैं, एक कॉम्बिनेशन देखना है जो ट्रेड विंड का है, दूसरा कॉम्बिनेशन देखना है जो जेट स्ट्रीम का है। जेट स्ट्रीम कहीं पर भी डायरेक्ट रेनफॉल नहीं करती है, चाहे वो समर हो चाहे विंटर हो चाहे कोई मौसम हो, कभी भी डायरेक्ट रेनफॉल नहीं करती है। जेट स्ट्रीम केवल और केवल रास्ता लेकर के आती है, चाहे वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम तिब्बत वाली हो या फिर टेम्परेट साइक्लोन जनरेट हुआ हो यूरोप में और वो इंडिया में लेकर के आना हो। जो विंड मतलब जो बारिश कराएगी वो बारिश कराने वाली केवल और केवल ट्रेड विंड होती है और ट्रेड विंड के कारण से ही रेनफॉल हो रही है। वो स्ट्रांग भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है। स्ट्रांग और वीक करने का जो मेन जिसको कह सकते हैं क्रेडिट दिया जाना, तो क्रेडिट आप जेट स्ट्रीम को दे सकते हैं। तो अब पूरा का पूरा सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा, पूरे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो दिस इज द होल थिंग अबाउट दिस डाउट वाला लेक्चर। अगर अभी भी किसी को डाउट होता है, कोई परेशानी होती है, क्योंकि देखिए चैप्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है, कई सारी रिसर्च अभी चल रही है, इस रिसर्च ने बेसिकली एक नए साइंस को जन्म दिया है जिसको बोला था एटमॉस्फेरिक साइंस, नया सेक्शन है, नया डेवलपमेंट हुई है, देख सकते हैं नए नए पेटेंट रोज निकल करके सामने आ रहे हैं। तो काफी नया सेक्शन है, डेवलपमेंट हो रही है, रिसर्च हो रही है। हालांकि हमें ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप थोड़ा सर्च आउट कर सकते हैं या फिर डाउट रेस कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जैसे आपने रेस किया हुआ है वैसे ही रेस कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।